ये कहानी है 6 लोगों की एक ऐसी टीम की जो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करने वाले हैं, और इनका लीडर है दुनिया का सबसे शातिर चोर, जिसका काम है कड़ी से कड़ी सुरक्षा को तोड़कर आसानी से कुछ भी चुरा लेना। लेकिन इस बार ये फंस जाते हैं एक ऐसी जगह जहां से इनका बाहर निकलना नामुमकिन है, और वजह होती है इन सब लोगों की अय्याशियां। चोरी के बीच में इनकी पूरी टीम को प्यार हो जाता है और इनके दिमागों पर हवस हावी हो जाती है। अब क्या ये निकल पाए या फिर हो गए हमेशा के लिए कैद, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो तो देखनी ही पड़ेगी। कहानी की शुरुआत में हम आपको टीम से मिलवाते हैं। ये है बर्लिन, और जो इसके साथ खूबसूरत औरत है वो इसकी तीसरी वाइफ है, जो अब इसका प्यार ठुकरा कर इसे छोड़कर किसी और के साथ जा रही है। तभी इसको लेने इसके साथी आ जाते हैं। ये सब एक चोरी को अंजाम देने जा रहे हैं। ये बर्लिन के सुनहरे दिनों की कहानी है। उस समय ना तो ये बीमार था और ना ही चूहे की तरह छिपकर चोरियां करता था। अब ये दूसरी है केला, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है लेकिन बहुत ही शर्मीली। और ये है रियो, ताले तोड़ना और सलाखों के पीछे जाना इसकी खूबी है। ये बर्लिन को अपना गॉडफादर मानता है और बर्लिन इसे अपना पालतू कुत्ता समझता है। ये है डैमियन, पेशे से एक प्रोफेशनल है, ये अपने खाली समय में चोरी की प्लानिंग करता है, ये जीनियस है और मास्टरमाइंड है। ये है ब्रूस, ये ऑलराउंडर है और हर हालत में जीने की कलाएं इसे बहुत आती हैं। ये सभी मिस्टर एंटोनियो वॉल्स के राजमहल में आते हैं। बर्लिन उसे सर्च वारंट दिखाकर घर की चेकिंग कराने को कहता है। बर्लिन उसे डराता है कि अगर वो उसका सहयोग नहीं देगा तो कम से कम 9 साल तक के लिए अंदर जाएगा। वो उसके लॉकर में जाकर एक 500 साल पुराना प्याला उठाता है और उसे बताता है कि हम पुलिस वाले नहीं हैं, और अगर तुम जिंदा रहे तो ऐसे प्याले तो आते जाते रहेंगे। उसी वक्त नीचे डिनर की टेबल पर एक आदमी कहता है, तुम सब मुझे पुलिस वाले नहीं लग रहे, प्लीज अपना बैच और आईडी नंबर दिखाइए। तभी वहां बर्लिन आ जाता है और वो उस ज्यादा बोल रहे आदमी को कहता है कि अपना फोन टेबल पर रख दो, और फिर बर्लिन उस फोन को तोड़ देता है। फिर बर्लिन उसको अपनी गन दिखाकर कहता है कि ये है मेरा बैज। फिर वो आदमी अपनी लाइन पर आ जाता है। अब बर्लिन उन सबको अपने आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहता है, ताकि अगर कोई हीरो बनते हुए FIR कराने की सोचे तो उसको पता हो कि इन सब के घर कहाँ है। फिर वो उस आदमी को बाहर ले जाकर कहता है कि अपनी पत्नी के सामने हीरो बन रहे थे या अपनी गर्लफ्रेंड के। वो आदमी बर्लिन के आगे गिड़गिड़ाता है। फिर बर्लिन कहता है कि प्यार इतनी अच्छी चीज नहीं है जिसके आगे अपनी जिंदगी हारी जाए। फिर वो उससे बिना कुछ कहे से चला जाता है। फिर ये सब कुछ दिन के बाद अपना हुलिया बदलकर एक होटल में जाते हैं। बर्लिन उन सबको एक नए मेंबर से मिलवाता है जिसका नाम था कैमरॉन। ये एक बहुत तूफानी लड़की है जिसे जिंदगी ने बहुत गहरे घाव दिए हैं। रियो पहली नजर में ही इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और बर्लिन उसके मन में क्या चल रहा है एक ही सेकंड में भांप लेता है। और फिर बर्लिन कहता है कि हम यहां चोरी के इरादे से आए हैं, जिसकी शुरुआत 10 दिन पहले ये प्याला चुराने के साथ हो चुकी है। इस प्याले की कीमत 40,000 यूरो है और हम इसकी कीमत 45 मिलियन यूरो करने वाले हैं। ये कहते ही डैमियन इस बेशकीमती प्याले को तोड़ने लगता है। दरअसल ये लोग इस टूटे हुए प्याले की मदद से यूरोप के शाही परिवारों के गहने चुराने वाले थे, वो भी एक साथ, जो कि 34 अलग अलग शहरों में पड़े थे। फिर वो उस प्याले को अमोनियम क्लोराइड में डुबोते हैं ताकि उसकी चमक खराब हो जाए और वो पुराना दिखने लगे। फिर ये पेरिस की एक पुरानी चर्च में जाकर फादर से मिलते हैं। बर्लिन कहता है कि मैं प्रोफेसर सेंटाना हूं और पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ सेलेटन से आया हूं। फादर ने इन्हें यहां बुलाने से पहले ऑनलाइन रिसर्च भी की थी, जहां उसे इनके बारे में 600 से भी ज्यादा आर्टिकल पढ़ने के लिए मिले थे, और वो सब केला की करामात थी जिसने अपनी एडवांस कंप्यूटर स्किल से ये सब करा था। चर्च के अंदर फादर ने 2 गुंडे भी पाल रखे थे। ये दोनों सुधरने के लिए चर्च आए थे और कुछ दिन बाद इनकी रिहाई होने वाली थी। फिर वो फादर को एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जिसके अनुसार बहुत साल पहले इस चर्च से भी पहले एक और चर्च होने का दावा किया गया था, और फादर कहते हैं कि मेरी चर्च 1240 में बनी थी और इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक यहां 5वीं सदी में भी चर्च होने की बात कही गई है। लेकिन वो फादर को विश्वास दिला देते हैं कि आप जहां खड़े हैं वो पेरिस की सबसे पुरानी चर्च है और इसके नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है। फिर फादर उनको चर्च के तहखाने में ले जाता है। फिर वो मशीन से चेक करते हैं और वहां 16 फुट नीचे कुछ दबे होने का संकेत मिलता है। दरअसल ये इन सब का प्लान यहां पर खुदाई करने का था, क्योंकि यहां का एक रास्ता पेरिस की उन टनल से जाकर मिलता है जहां से वो पेरिस के किसी भी कोने में जा सकते थे। डैमियन मैप में समझाता है कि हमें चर्च से इस जगह पर पहुंचना है। ये पेरिस का सबसे बड़ा नीलामी घर है जहां पर 34 अलग अलग शहरों के शाही घरानों से गहने आने वाले हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि ये गहने यहां पर किस दिन आने वाले हैं, और ये बात सिर्फ एक ही आदमी को पता है, उस नीलामी घर के मैनेजर को, जिसके घर के ठीक सामने वाले होटल में इन लोगों ने डेरा डाल रखा था और अब ये लोग उसके घर में घुसने की तैयारी कर रहे थे। रियो की नजर अब भी कैमरॉन पर थी। तभी बर्लिन रियो को समझाता है कि इश्क में खतरे के निशान होते हैं, हमें आपकी आंखों में कैमरॉन के लिए चमक दिख रही है, आप इतना जान लीजिए कि वो लड़की मेंटल हॉस्पिटल में भी जा चुकी है, इसलिए आपको उसके काम पर नजर रखनी है,
ना कि उसके पाँव में बने हुए खूबसूरत टैटू पर। रियो समझ जाता है। फिर वो देखते हैं कि नीलामी घर का डायरेक्टर जिसका नाम मार्क था वो अपनी वाइफ के साथ घर से निकल जाता है। फिर ब्रूस उसका पीछा करता है ताकि उस पर नजर रखी जा सके और रियो और कैमरॉन कपल बनकर उनके घर के सामने वाली बिल्डिंग के बाहर जाते हैं और उसका दरवाजा खोल लेते हैं। फिर वहाँ केला आती है और फिर वो सभी अंदर चले जाते हैं। केला और कैमरॉन लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और रियो सीढ़ियों से। फिर वो उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तभी उनका पड़ोसी बिल्डिंग के अंदर आता है और उसके ऊपर आने से पहले ही उनको सिक्योरिटी ऑफ करके दरवाजा खोलना था और किसी तरह वो उसके ऊपर आने से पहले दरवाजा खोल लेते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं। फिर वो अपने गैजेट्स निकालते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे कैमरे लगे हुए थे। उस घर में एक छोटा सा डॉगी भी था जिसको बॉल से खेलना बहुत पसंद था। फिर सभी अलग अलग जगह पर कैमरे इंस्टॉल करने लगते हैं। वो उस घर की कोई भी जगह नहीं छोड़ते जहाँ कैमरे ना लगे हों। वो साथ साथ उस डॉगी को भी खिला रहे थे तभी उन्हें दरवाजे का लॉक खोलने की आवाज आती है और वो सभी छुप जाते हैं। वहाँ उनका पड़ोसी अपने कुत्तों को लेकर आया था ताकि मार्क के डॉग को भी अपने डॉग के साथ घुमाने ले जाए, मगर मार्क का डॉगी रियो और कैमरॉन के पास बैठा था। फिर रियो बॉल को बाहर फेंक देता है और फिर वो बॉल लेने के लिए जैसे ही बाहर आता है तब उनका पड़ोसी उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद वो सब भी वहाँ से निकल जाते हैं। रात में जब बर्लिन मार्क के घर की निगरानी कर रहा था तब मार्क की वाइफ उठती है और म्यूजिक लगाकर डांस करने लगती है। बर्लिन उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। फिर वो ड्रेस पहनकर तैयार होकर बाहर निकल जाती है। बर्लिन को अचानक कुछ होता है और अपने होटल से बाहर आ जाता है। वो उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे एक बार में चला जाता है। उस बार में मार्क की वाइफ गिटार बजाती है, गाना भी गाती है। बर्लिन उसको गाते हुए इस तरह देख रहा था जैसे उसको उससे पहली नजर में प्यार हो गया। फिर वहां से निकलने के बाद वो उसका सुबह तक पीछा करता है और उसे महसूस होता है कि ये पंछी मार्क के पिंजरे में कैद है और वहां से आजाद होना चाहता है। फिर वो औरत रात भर घूमकर वापस आकर मार्क के साथ सो जाती है। अपनी पत्नी के छोड़ जाने के बाद आज पहली बार बर्लिन को भी अच्छा लग रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रूस और केला नीचे तहखाने में गड्ढा खोदकर उस एंटीक पीस को दबा देते हैं। ब्रूस केला के ऊपर लाइन मारता है लेकिन केला उसे कहती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आइंदा इस बात को ध्यान में रखना। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर बर्लिन आ जाता है। डेमियन पूछता है कि तुम रात भर कहाँ थे। वो बताता है कि रात को हम एक औरत से मिले। फिर वो रात वाली सारी बात डेमियन को बताता है। वो कैमियाल से इतना इम्प्रेस हो गया था कि वो उसके बारे में सब बात जानना चाहता था और इस काम में उसे डेमियन की हेल्प चाहिए थी। तब डेमियन कहता है कि हमने यहाँ तक आने के लिए कितने पापड़ बेले हैं और हम जिस आदमी को लूटने वाले हैं तुम उसी की बीवी को पटाना चाहते हो। बर्लिन कहता है कि मैं उसके लिए पूरे प्लान को खतरे में डालने के लिए तैयार हूँ और आपको भी। इतने में ही यहाँ फादर आ जाते हैं। फिर वो सब यहाँ फादर के सामने नाटक करते हैं और फिर वो जमीन के अंदर से वही प्याला बाहर निकालते हैं। उसको देखकर फादर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बर्लिन कहता है कि हमें खुदाई के लिए 3 हफ्ते का समय चाहिए और फादर को ये बात मंजूर हो जाती है। फिर अगले दिन बर्लिन रियो को लेकर उसी बार के बाहर कैमियल का इंतजार करता है। फिर बर्लिन रियो को कहता है कि जब हम अंदर जाएं तो 2 मिनट बाद आप मेरे पुराने दोस्त बनकर अंदर आ जाना और इस तरह मिलना जैसे हम बहुत समय के बाद मिल रहे हों। फिर जब कैमियल आ जाती है तो बर्लिन एक बुक लेकर अंदर चला जाता है। वो कैमियल की साथ वाली सीट पर जाकर बैठता है। फिर वो कैमियल को बताता है कि मैंने कल रात आपको देखा, आप इसी बार में गाना गा रही थी और मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हो गया। आपको देखकर अंदाजा लगा रहा था कि आपकी प्लेलिस्ट में कौन कौन से सॉन्ग होंगे। इस पर कैमियल कहती है कि बताइए देखते हैं कि आपके सॉन्ग सही होंगे या गलत। बर्लिन कहता है कि हम आपको एक नहीं बल्कि 2 गाने बताएंगे। इसके बाद बर्लिन उसे 2 फ्रेंच सॉन्ग्स के नाम बताता है जिस पर कैमियल कहती है क्या बात है दोनों ही सही बताए हैं। इतने में रियो ओवर एक्टिंग करता हुआ वहाँ आ जाता है और आते ही बर्लिन को 3-4 किस कर देता है। फिर बर्लिन कहता है कि ठीक है हम अब यहाँ से चलते हैं, शायद फिर कभी आपका गाना सुनने का मौका मिले। फिर वो वहाँ से जाते हुए रियो को कहता है कि कितनी ओवर एक्टिंग करते हो। अब इसके बाद वो दोनों पास के ही एक टेबल पर बैठ जाते हैं। बर्लिन देखना चाहता था कि वो औरत मुड़कर उसकी तरफ देखती है या नहीं, लेकिन वो बिना देखे सीधी बाहर चली जाती है और इस बात से बर्लिन का दिल टूट जाता है। वो कहता है कि ये क्या हो गया, हमने कोई गलती कर दी, कहीं उन्होंने हमें गे तो नहीं समझ लिया, तुम्हें 3 बार किस करने की क्या जरूरत थी। वो रियो के ऊपर गुस्सा करने लगता है क्योंकि ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया था। दूसरी तरफ डेमियन, ब्रूस, केला और कैमरॉन को चर्च के नीचे बनी बेसमेंट से सुरंग का रास्ता मिल जाता है। वहाँ बहुत से लोगों के कंकाल पड़े थे। ये वही टनल थी जो पूरे पेरिस में फैली हुई थी। फिर वो मैप के अकॉर्डिंग टनल में आगे बढ़ते हैं। उन्हें नीलामी घर तक पहुँचने का सीधा रास्ता मिल जाता है। फिर वो सीधी लेजर के डायरेक्शन में खुदाई करते हैं। बर्लिन उस समय कैमियल की प्रोफाइल देख रहा होता है और रियो सीसीटीवी के जरिए उसके घर पर नजर रखे हुए था। फिर रियो बर्लिन को बताता है कि मियां बीवी में झगड़ा चल रहा है। कैमियल को ओपेरा जाना था लेकिन उसका पति वहां जाना नहीं चाहता था क्योंकि आज उसका शेड्यूल बहुत बिजी था। फिर बर्लिन कहता है कि मैं उसके साथ ओपेरा जाऊंगा। रियो को अपने जूते पॉलिश करने के लिए कहता है और देखता है कि मार्क घर से चला गया है और कुछ देर बाद कैमियल घर आ गई है। दूसरी तरफ चर्च में फादर डेमियन से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि ये प्याला मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्पेन जा रहा हूँ और सोच रहा था कि ये प्याला आपकी यूनिवर्सिटी में जाकर डीन को दिखाता हूँ। डेमियन कहता है कि सिक्योरिटी की वजह से मैं इसको आप
आपके साथ ले जाने नहीं दे सकता। फादर कहता है कि ये मेरा चर्च है, और साथ ही फादर का पाला हुआ गुंडा डेमियन से कहता है कि इस प्याले को क्यों नहीं ले जाने दे सकते, इस प्याले पर उनका हक है। फादर कहते हैं कि अब मैं चलता हूँ, 8:30 बजे मेरी फ्लाइट है। फिर डेमियन ये बात बर्लिन को बताता है, लेकिन वो तो अपना टुक्सेडो पहनकर कैमियल के साथ जाने के लिए रेडी था। डेमियन कहता है कि डीन इस प्याले को देखकर पहचान जाएगा और यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। अब बर्लिन फैसला नहीं ले पा रहा था कि क्या करे। एक तरफ उसकी कई दिनों की मेहनत मिट्टी में मिलने जा रही थी, दूसरी तरफ वो कैमियल की लाइफ में एंटर होने वाला था। अब उसको दोनों में से एक चीज को चुनना था, पैसा या प्यार। फिर वो रियो को कहता है कि जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन वो प्याला हमें वापस चाहिए, चाहे आपको एयरपोर्ट के बाथरूम में उसकी ऊपर की टिकट क्यों ना काटनी पड़े। इसके बाद वो होटल से बाहर जाकर कैमियल को आवाज देता है और कहता है कि क्या इत्तफाक है, हम सामने वाले ही होटल में रुके हैं, कल सारा वक्त हम आपके बारे में ही सोच रहे थे। कैमियल कहती है कि मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे कहीं जाना है। बर्लिन कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि हम आपके साथ चलते हैं, रास्ते में थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। वहीं थोड़ी देर बाद कैमरॉन बाइक लेकर वहां पर आती है। फिर वो रियो के कमरे में जाती है। रियो कहता है कि मुझे चाबी दो, बर्लिन ने मुझे काम दिया है, और तुम यहां बैठकर सीसीटीवी देखो। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो दोनों तैयार होकर फादर से प्याला लेने जाते हैं। दूसरी तरफ कैमियल टैक्सी के अंदर ही अपने कपड़े चेंज करती है और फिर वो ओपेरा क्लब जाते हैं। वहां तो सारी यंग जनरेशन होती है, बर्लिन अकेला ही था जो टक्सिडो पहनकर यहां आया था। दूसरी तरफ रियो और कैमरॉन फादर के पास पहुंच जाते हैं। जब वो टैक्सी को आवाज देते हैं तभी वो फादर से उसका बैग छीन लेते हैं, लेकिन फादर की पकड़ मजबूत थी और इस सब में उनकी चिल्लाने की आवाज उनके मुस्टंडे सुन लेते हैं। उनमें से एक बंदा एक ड्रैग उठाकर उन पर दे मारता है और वो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। फिर वो बैग उठाकर पैदल ही भागने लगते हैं और वो मुस्टंडे उनकी ही बाइक पर उनका पीछा करने लगते हैं। आगे जाकर गली में उनको शादी की भीड़ मिलती है। अब वो दोनों भागकर उस भीड़ को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन वो मुस्टंडे उस भीड़ के अंदर फंस जाते हैं। फिर वो दूल्हे की कार चुराकर वहां से भागने लगते हैं। वो मुस्टंडे अब भी कार का पीछा कर रहे थे। अब आगे जाकर उनको अर्थी मिलती है और फिर वो कार को वहीं छोड़कर पास में बने पार्किंग में घुस जाते हैं। वो मुस्टंडे समझ जाते हैं कि वो लोग पार्किंग के अंदर हैं और वो भी पार्किंग के अंदर ही आ जाते हैं। अब वो दोनों बहुत ही गुस्से में थे। अब रियो कैमरॉन से कहता है कि तुम सामने की तरफ जाओ और मैं सीधा जाता हूँ। फिर वहां जाकर वो गाड़ियों को हिलाते हैं और उन गाड़ियों के सायरन बजने लगते हैं। अब वो दोनों अलग अलग गाड़ियों के सायरन ऑन करते हुए मुस्टंडो को कंफ्यूज कर रहे थे। फिर वो एक गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक गुंडा कुल्हाड़ी लेकर टायर फाड़ देता है और उनकी गाड़ी दूसरी कार में जाकर ठुक जाती है। फिर वो जब कार से निकलकर भागते हैं तो वो मुस्टंडे उनको घेर लेते हैं। फिर उनमें से एक गुंडा तेज पानी की बौछार मारता है और उनका बैग नीचे गिर जाता है, और इसी के साथ वो प्याला वापस से गुंडे के हाथ में लग जाता है और रियो कैमरॉन को लेकर वहां से भाग जाता है। इनके साथ जो कुछ भी हुआ उनमें एक अच्छी बात थी और एक बुरी। अच्छी बात यह थी कि गुंडों को ये पता नहीं चल पाया कि वो चोर कौन थे, और बुरा ये हुआ कि प्याला इनके हाथ से निकल गया और साथ ही वो अपनी किराए की बाइक भी वहीं छोड़ आए थे। दूसरी तरफ बर्लिन कैमियल के साथ ओपेरा में एंजॉय कर रहा था। बर्लिन उसके साथ अच्छा वक्त बिताता है और फिर वो वापस अपने होटल की तरफ जाने लगते हैं। फिर वो टैक्सी से नीचे उतरकर मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब कैमियल की नजरों में भी बर्लिन के लिए प्यार नजर आ रहा था। जब सुबह होती है तो ब्रूस केला के रूम में जाता है। वो उससे पूछता है कि कैमरॉन कहाँ है, कल रात वो मेरी बाइक ले गई थी, लेकिन केला को उसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो केला के ऊपर लाइन मारने लगता है। केला थोड़ी शर्मीली स्वभाव की थी इसलिए वो उसे जाने को कहती है और कहती है कि अगर कैमरॉन आई तो मैं उसे कॉल करने को बोल दूंगी। दूसरी तरफ रियो और कैमरॉन डेमियन को मिलने के लिए बुलाते हैं और कल जो हुआ उसे सब कुछ बताते हैं। डेमियन कहता है कि तुमने कल फोन क्यों नहीं किया। वो लोग कहते हैं कि हमने बर्लिन को कई बार फोन किया लेकिन उन्होंने फोन उठाया ही नहीं। तब डेमियन कहता है कि तुमने फादर को अपनी बाइक के साथ 30 फुट तक घसीटा, एक शादी बर्बाद कर दी और 26 कारों को नुकसान पहुंचाया। कैमरॉन कहती है कि उन दोनों जानवरों के होते हुए प्याला चुराना आसान नहीं था। इस पर डेमियन उनको वो प्याला दिखाता है और कहता है कि कल की घटना के बाद फादर डर गए हैं, वो खुद ही हमें प्याला दे गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की, इसीलिए ये प्याला आप अपने पास ही रखिए, मुझे लगता है कि ये आपके पास ज्यादा सुरक्षित है। और अच्छी खबर ये है कि कल उनकी कमर टूट गई और वो एक हफ्ते तक चर्च नहीं आ पाएंगे। अब हमें अपने काम करने के लिए एक हफ्ता और मिल गया। फिर वो रियो को बर्लिन के पास भेज देता है। जब बर्लिन सो रहा होता है तो उसके पास कैमियल का फोन आता है। वो उसे विंडो में बुलाती है। वो कहती है कि मैं पिछले 8 सालों से शादीशुदा हूं, पर कल जो एहसास आपके साथ हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। आप पेरिस में कब तक हैं? बर्लिन कहता है कि मैं सिर्फ 1 या 2 दिन हूँ। फिर वो अंदर चली जाती है। उस दिन बर्लिन काफी खुश था क्योंकि उसकी गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। जब रियो बर्लिन के पास आता है तो बर्लिन उसे एक जाम पिलाता है। वो कहता है कि नंबर देने के 3 घंटे के बाद ही उसने मेरे पास फोन किया। इतने में उसका दरवाजा नॉक होता है और बाहर से कैमियल की आवाज आती है। इस पर बर्लिन और रियो दोनों ही घबरा जाते हैं। कमरे के अंदर उनका सेटअप लगा हुआ था जिसमें वो कैमियल के घर पर नजर रखे हुए थे और इस सेटअप को 1 मिनट के अंदर समेटना पॉसिबल ही नहीं था। अब बर्लिन कुछ सोचकर रूम से बाहर जाता है और वो कहता है कि आपका अंदर आना ठीक नहीं होगा और
और हम किसी के घर टूटने की वजह नहीं बनना चाहते। कैमियल कहती है कि मैं तुम्हारा फैसला समझ गई हूँ, मुझे तुम्हारी सच्चाई अच्छी लगी। और फिर वो वहाँ से अलविदा कहकर चली जाती है। तभी बर्लिन को महसूस होता है कि उसने रूम के अंदर ना बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और अचानक वो बाहर आता है और दूर से ही कैमियल को आवाज देता है और उसके साथ चलती लिफ्ट में कुछ अच्छा वक्त बिताता है, जबकि उसकी बाकी टीम खुदाई कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि बर्लिन अपने मिशन से भटक रहा था। अब बर्लिन कैमियल के दोस्तों के साथ पार्टियां करने लगा था। कुछ दिन तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। एक रात केला अपने रूम में कैमरॉन को बताती है कि मुझे शायद ब्रूस अच्छा लगने लगा है, मुझे इस तरह के बदतमीज लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों ये मेरे दिमाग से जाता ही नहीं है। लेकिन वो 24 का है और मैं 36 की हूँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। इस पर कैमरॉन कहती है कि जो तुम्हारा दिल करे वो करो। इसी के साथ कैमरॉन म्यूजिक ऑन कर देती है और ये लोग मस्ती करने लगते हैं। म्यूजिक की आवाज सुनकर वहाँ पर ब्रूस आ जाता है और फिर वो भी उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है। अब कुछ देर में उनके पास दारू खत्म हो जाती है। ब्रूस रियो को भी फोन करके अपने पास बुला लेता है और फिर ये चारों भी बहुत इंजॉय करते हैं। इधर बर्लिन की तरह ये चारों भी अपनी अपनी जोड़ियां बना लेते हैं। अब धीरे धीरे उनका खुदाई का काम भी पूरा हो गया था, क्योंकि उन लोगों को टनल वहां तक खोदनी थी जहां तक ईंट की दीवार न निकल आए। ठीक उसी ईंट की दीवार के पीछे नीलामी घर है और अब उनको वो दीवार तोड़कर नीलामी घर के अंदर घुसना था ताकि किसी को कोई शक भी ना हो। अब उन्हें एयर चैम्बर और सर्विस एरिया से होते हुए तिजोरी तक पहुंचना था। फिर उन्हें वहां गैंग हबलॉट से बनी हुई दीवार तोड़नी थी जो तिजोरी से बने पहले कमरे की थी। उस रूम में 2 CCTV कैमरे लगे हुए थे जिसकी तस्वीर वहां के गार्ड्स को दिखाई देती है। एक गार्ड हॉल में बैठा होगा और दूसरा ठीक तिजोरी के सामने बैठा होगा। अब हमें उन दोनों ही गार्ड्स को कंप्यूटर से दूर करना होगा कम से कम 3 मिनट के लिए ताकि CCTV कैमरा हैक कर सकें। वो दोनों गार्ड्स खाने में ज्यादातर पिज्जा ही मंगवाते हैं, लेकिन अब की बार जब वो फोन करेंगे तो फोन केला उठाएगी। उसके बाद हम अपने धूल से भरे हुए कपड़े उतार कर साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। तिजोरी में मिट्टी का एक भी कण या फिर आंख का एक भी पलक ना मिले, वरना पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। ब्रूस उन गार्ड्स के लिए पिज्जा लेकर जाएगा और उन गार्ड्स को ज्यादा से ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा क्योंकि पिज्जा ठंडा होगा। ये वो सारी चीजें करेगा जिससे एक भूखे आदमी को गुस्सा आ जाए, क्योंकि एक डिलीवरी बॉय किसी से अकड़कर बात करता है तो उसकी ईगो हर्ट होती है। और फिर वो अपने साथी को बुलाएगा और जैसे ही उसका साथी अपनी जगह से हिलेगा हमारा प्लान शुरू हो जाएगा। हमारा प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 मिनट होंगे। फिर हमारा रोबोट गैंग हबलॉट के एक ब्लॉक को बाहर निकालेगा। एंटी चैम्बर के अंदर ब्रूस उन गार्ड को उलझा कर रखेगा। केला CCTV कैमरा हैक कर लेगी। ब्रूस बदतमीजी पर बदतमीजी करता रहेगा जब तक कि कोई गार्ड उस पर हाथ न उठा दे। फिर ब्रूस नीचे गिरकर बेहोश होने का नाटक करेगा और साथ ही वो कैप्सूल चबाएगा जिससे उसके मुंह से झाग निकलने लगेंगे। वो दोनों गार्ड्स पुलिस या एम्बुलेंस बिल्कुल नहीं बुलाएंगे क्योंकि वो ये नहीं बता सकते कि उन्होंने डिलीवरी बॉय को सिर्फ इसलिए पीट दिया कि खाना ठंडा था। वो ये सोचेंगे कि उसको दौरे पड़ रहे हैं क्योंकि हमने इसके सर पर वार कर दिया है, और वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे ब्रूस को होश में लाने के लिए। तब तक केला अपना जादू दिखा देगी। फिर पूरे 3 मिनट बाद ब्रूस को होश आ जाएगा। तब तक उनके CCTV हैक हो चुके होंगे और उसके तुरंत बाद हमें वहां से निकलना होगा। फिर हमारा रोबोटिक बुलडोजर गैंग हबलॉट के उस हिस्से को वापस से उठाकर अपनी जगह पर रख देगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनके CCTV कैमरा पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे इस खेल का दूसरा पड़ाव। और वो ये होगा कि 10 इंच मोटी स्टील की दीवारों वाली तिजोरी को हम कैसे खोलें और उसके बाद पकड़े भी ना जाएं। हमारी चोरी को देखकर दुनिया के सबसे बड़ा जादूगर भी कहेगा वाह। इसके बाद हम देखते हैं कि जब बर्लिन अपना प्लान समझा रहा था तो ब्रूस बोर होकर खड़ा हो जाता है और बर्लिन के फ्रिज में से एक शैंपेन की बोतल निकाल लेता है। तभी बर्लिन उसे कहता है बोतल खोलिए और पीना शुरू करिए, लेकिन इस बोतल को आपको पूरा पीना होगा। अब बर्लिन के डर की वजह से ब्रूस जबरदस्ती उस बोतल को पूरी तरह से खाली कर देता है। उसके बाद बर्लिन कहता है कि ये कोई स्कूल की क्लास नहीं है जिसमें ध्यान न दोगे तो ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये हमारा क्लासरूम है, इसमें हम एक प्लान डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी से भी गलती होती है तो उसे सजा के तौर पर फ्रांस की जेल में कम से कम 16 साल गुजारने पड़ेंगे, और अगर किसी ने भी इस प्लान पर ध्यान नहीं दिया तो वो अपने साथ बाकी साथियों की जिंदगी भी खतरे में डाल देगा। बर्लिन कहता है कि एक और शख्स है जिसने हमारे साथ बहुत चोरियां की हैं। उनका मानना है कि चोरी सिर्फ एक चैप्टर नहीं है बल्कि पूरी एक किताब है। कैमरॉन पूछती है कि वो हमारे साथ इस चोरी में शामिल क्यों नहीं है। इस पर बर्लिन कहता है कि वो इस समय किसी दूसरी चोरी को प्लान कर रहे हैं और वो चोरी भी बहुत ही लाजवाब होने वाली है। दरअसल इस वक्त बर्लिन प्रोफेसर की बात कर रहा था। इसके बाद बर्लिन कहता है कि हमने इस समय इस चोरी में तजुर्बेकार लोग इसलिए नहीं लिए क्योंकि तजुर्बे के साथ आता है घमंड, और घमंड सिर्फ हम पर जचता है। अब मैं आपको दुनिया के सबसे बेहतर चोर बनाऊंगा। हम वो चोर हैं जो महंगे महंगे कपड़े पहनकर महंगे महंगे 5-स्टार होटल के अंदर प्लान बनाते हैं, काले कपड़े पहनकर झुग्गी बस्ती में प्लान नहीं बनाते। वो इसलिए क्योंकि कल को अगर हमें गोली भी खानी पड़े तो हम 5 खूबसूरत लाशों की तरह नीचे गिरेंगे और शान से मरेंगे। फिर केला बताती है कि मैं उनके CCTV कैमरे को लूप पर चला दूंगी। कैमरॉन और रियो फिर से अपने कपड़े बदलकर अंदर जाएंगे। फिर हम तिजोरी के पीछे वाले चैम्बर को काटेंगे जिसने सभी दीवारों को आपस में जोड़कर रखा है। ये 7
60 टन की स्टील की दीवार होगी जिसे काटने में हम यूज करेंगे ऐसे धागे जो हीरे जैसी सफाई से काटता है। 130 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चीजों को काट सकता है। यह हमारा दुनिया का सबसे बेहतरीन कटर होगा। एक क्रेन के जरिए हम दीवार को ऊपर उठाएंगे जैसे गैराज का दरवाजा उठाया जाता है। जब वो तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं, अब ये बात जानकर बर्लिन बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि जैसे ही इस तिजोरी में आखिरी गहना रखा जाएगा हम फिर से लौटेंगे और तब तक हम पेरिस के मजे लूटेंगे। इसके बाद बर्लिन कैमियल के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। कैमियल उसे अपने साथ बाथरूम में चलने के लिए कहती है और जैसे ही वो जाने लगती है तो वो देखती है कि उसका पति वहां पर पहुंच चुका है और वो डर जाती है। वो वापस आकर बर्लिन को बताती है। तब बर्लिन कहता है कि आप जाकर उनसे मिलिए और उन्हें कहिए कि मैं यहां एक कार डीलर से मिलने आई थी लेकिन वो बहुत ही बदतमीज और कमीना है, आपको उनसे चलकर बात करनी होगी। फिर वो जाकर अपने हस्बैंड को बुलाकर लाती है और बर्लिन उससे कहता है, सॉरी मैडम, अगर आपको हमसे बात करने में तकलीफ हो रही है तो हम चले जाते हैं, आपको किसी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, हम बहुत बड़े आर डीलर हैं। इस पर मार्क बर्लिन को कहता है कि चुप कर सड़क छाप आदमी, औकात से ज्यादा बोल गया है तू। अब इस लाइन पर बर्लिन सोच रहा था कि हम कांटा उठाकर इस आदमी का काम यहीं पर तमाम कर दें, लेकिन वो गुस्सा पी जाता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद भी बर्लिन का मिलना जुलना कैमियल से चालू रहता है। कैमियल अपना हर पल बर्लिन के साथ गुजारना चाहती थी लेकिन अपने पति को धोखा देने के कारण उसे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। ठीक उसी समय बर्लिन के पांचों साथी कहीं बैठकर अपनी शाम एंजॉय कर रहे थे। सब लोग ब्रूस को शैंपियन पीने के लिए कह रहे थे लेकिन वो कहता है कि शैंपियन अब मेरे दिल से उतर गई है। तभी डेमियन की वाइफ का फोन आता है। वो कहता है कि इस समय मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ हूं। जैसे ही ये कोर्स पूरा हो जाएगा हम फिर से पेरिस में घूमने आएंगे। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि अब हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है, तुम्हारे इंटरनेशनल कोर्सेस और तुम्हारी क्लासेस कभी खत्म नहीं होती। डेमियन की वाइफ अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ नहीं बिताना चाहती थी और ये बात सुनकर डेमियन टूट जाता है। उसकी वाइफ अब से उसे फोन ना करने के लिए कहती है। फिर वो वापस टेबल पर जाता है। तब सब लोग उसे बार में चलने के लिए कहते हैं लेकिन डेमियन जाने से इनकार कर देता है। कैमरॉन समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है और इसलिए वो भी डेमियन के साथ यहीं रुकने का फैसला करती है। फिर बार में जाते समय ब्रूस कहता है कि देखो, मैंने जिससे बाइक ली थी वो दिन भर मुझे कॉल करते हैं। यार कम से कम ये तो बता दो कि मेरी बाइक है कहाँ। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने बाइक वापस नहीं की तो वो लोग मेरा पासपोर्ट पुलिस को दे देंगे। अब देखो, मेरा पासपोर्ट चाहे नकली हो लेकिन उस पर जो फोटो लगी है वो मेरी असली है। इस पर कैला कहती है कि फेस रिकॉग्निशन के जरिए वो पता लगा लेंगे कि ये कौन है। फिर रियो बताता है कि वो बाइक फादर के गुंडों के पास है। तभी रात को कैमरॉन डेमियन से पूछती है कि आपका आपकी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है। वो कहता है कि उसने मुझे छोड़ दिया। फिर कैमरॉन कहती है कि हो सकता है उसे नया प्यार मिल गया हो इसलिए शायद उन्होंने आपको छोड़ दिया हो। हो सकता है कि मैं गलत हूं लेकिन मैं सही भी हो सकती हूं। डेमियन कहता है तुम अपना पिज्जा खाओ और इस बात को यहीं पर बंद कर दो। कैमरॉन इन हालातों से गुजर चुकी थी इसलिए वो रोने लगती है। दूसरी तरफ बर्लिन और कैमियल एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त गुजार कर अब आपस में बातें कर रहे थे कि तभी कैमियल के फोन पर मार्क का फोन आता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? देखो, जब मैं घर आया था तुम्हारा लैपटॉप खुला पड़ा था, मैंने तुम्हारे सारे लव मेल्स पढ़ लिए हैं और मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें किस तरह से स्पेशल फील करवाता है जो मैं तुम्हें सालों से नहीं करा पाया। उसका नाम पढ़कर मुझे पता चल गया कि वो वही रेस्टोरेंट वाला आदमी है। कैमियल कहती है कि मैं तुमसे मिलकर सब कुछ बता दूंगी। वो ये बात बर्लिन को बताती है। फिर वहां से बाहर जाकर बर्लिन कहता है कि साला हमें सड़क छाप कह रहा था, अब पता चलेगा कि सड़क पर कौन है। आज वो बहुत ज्यादा खुश था और वो बाहर जाकर खुशियां मनाता है। उधर डेमियन कैमरॉन को अपने रूम में बुलाता है और कहता है कि तुम सही थी, उसका किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। फिर वो कैमरॉन को अपनी वाइफ की तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि उसमें से कोई भी सेल्फी नहीं है, हर तस्वीर में कोई ना कोई उसके साथ खड़ा था। ये बातें मेरे दिमाग से कैसे रह गईं? जिसने वो तस्वीरें खींची थी वो उसका साथी हो सकता है। डेमियन जीनियस तो था ही, इसीलिए वो हर चीज पर बारीकी से गौर करता है और बताता है कि एक जैकल 70 नाम का यूजर है जिसने मेरी वाइफ की हर पोस्ट को लाइक किया है, हर पोस्ट पर कमेंट भी करता है और जब उसने कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पिछले 10 महीनों से उसकी वाइफ एक ही नंबर पर 10 घंटे बातें करती है और वो भी तब जब डेमियन घर पर नहीं होता। फिर कैमरॉन डेमियन को कहती है, होश में आइए सर, सारे गहने आ चुके हैं और कल उन पर लेबल्स लगाए जाएंगे और परसों उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसका मतलब चोरी हमें आज ही करनी होगी। फिर रियो बर्लिन को फोन पर सारी बात बताता है। बर्लिन कहता है कि हमें अभी फोन रखना होगा और आप बंदोबस्त कीजिए, हम पहुंच जाएंगे। फिर जब वो वापस कैमियल के पास जाता है तो कैमियल उसे बताती है कि मैंने मार्क को सब कुछ बता दिया है। बर्लिन पूछता है कि फिर उन्होंने क्या कहा। कैमियल बताती है कि मार्क तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी उसके फोन पर डेमियन का फोन आता है लेकिन वो फोन को कट कर देता है। फिर कैमियल बताती है कि मार्क पिछले 3 हफ्तों से ये सोच रहा है कि हमारा एक बच्चा होना चाहिए और मैं सालों से उसे ये बात कह रही हूँ लेकिन उसके पास कभी वक्त ही नहीं था। जब उसे ये वक्त मिला है तो मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। फिर बर्लिन कहता है कि इस पूरे वाकये से हम हिल गए, इसलिए हमें खुद से बातें करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, मैं दूसरा रूम बुक करवा रहा हूँ और हम कल सुबह मिलते हैं। फिर बर्लिन वहां से निकलकर सीधा चर्च पहुंच जाता है और फिर वो रियो को कहता है कि हम कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं। रियो पूछता है कि आप ठीक तो हैं?
बर्लिन कहता है कि हम उसके दूसरे खिलौने बनकर रह गए। वो प्यार तो हमसे करती है लेकिन जिंदगी अपने पति के साथ जीना चाहती है। हम सिर्फ उसके जिस्म की प्यास बुझाने वाले यार बनकर रह गए। उस सड़क छाप इंसान ने हमें उसकी पत्नी से प्यार करने का लाइसेंस दे दिया है और थूकता हूँ मैं ऐसे लोगों के मुंह पर। उसे जैसे ही हमारे प्यार के बारे में पता चला उसने अपना हुक्म का इक्का खोल दिया। उसे अचानक से बाप बनने की इच्छा होने लगी और इसी के साथ वो रियो को एसीटोन और प्योर ब्लीच का इंतजाम करने के लिए कहता है, क्योंकि दरअसल मार्क को पता नहीं था कि उसने किसके साथ पंगा लिया। रियो ने बर्लिन को इतने गुस्से में पहली बार देखा था इसीलिए उसे डर लगने लगा था। इसके बाद बर्लिन सीधा चर्च जाता है और वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके चर्च के अंदर चला जाता है। डेमियन, ब्रूस, केला और रियो सीसीटीवी कैमरा में देख रहे थे कि वहाँ आखिरी गहना भी आ चुका था जिसको मार्क बड़े ही ध्यान से तिजोरी में रख रहा था। फिर बर्लिन वहाँ आकर पूछता है, क्या सभी गहने आ गए हैं? केला कहती है कि सभी गहने आ गए हैं और अब ये तिजोरी 15 घंटों बाद ही खुलेगी। ये तिजोरी सिर्फ मार्क ही खोलता था और अब इन सब के अंदर जाने का वक्त आ गया था। फिर डेमियन पूछता है कि पिछले 2 दिनों से तुम पेरिस में नहीं थे और ना ही मार्क की बीवी, तुम उसके साथ रंगरलिया मना रहे थे इसीलिए तुम यहाँ नहीं पहुँच पाए। बर्लिन कहता है कि आप जलनखोर माशूका की तरह बात कर रहे हैं। फिर बर्लिन सबको सूट पहनने के लिए कहता है और फिर केला सीसीटीवी कैमरा का लॉक ऑन कर देती है और फिर वो अपने रोबोट की मदद से एंटी चैम्बर की गैंग हबलोट को हटाते हैं और फिर एंटी चैम्बर में प्रवेश कर जाते हैं। अब वो तिजोरी में घुसने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। फिर वो सभी तिजोरी के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब उनका प्लान था कि सभी डिब्बों में से गहने निकालकर सभी डिब्बों को वापस उसी जगह रखना है ताकि सीसीटीवी कैमरा ऑन होने पर सब कुछ अपनी जगह पर दिखाई दे। वो सभी गहनों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और साथ साथ पेपर पर सभी गहनों के आगे टिक मार्क भी कर रहे होते हैं ताकि कोई भी गहना यहाँ पर रह न जाए। तभी बर्लिन कहता है कि यही तो चीजें हैं जो जिंदगी को जीने के लायक बनाती हैं। तभी डेमियन कहता है कि तुम जैसे जलील इंसान को क्या पता कि जिंदगी किस तरह जी जाती है। तुम तो 3 दिन से किसी दूसरे की बीवी के साथ मौज कर रहे थे और तुम्हारी खुद की बीवी किसी दूसरे के साथ चली गई। इस पर बर्लिन कहता है कि हम उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तब डेमियन कहता है कि नहीं, किसी की जिंदगी खराब करना मोहब्बत नहीं होती। फिर बर्लिन कहता है कि आपकी बीवी आपके साथ इसलिए टिकी है क्योंकि हम आपके दोस्त हैं। और ये बात सुनकर डेमियन उसे मारने की कोशिश करता है और इसी दौरान एक ज्वेलरी बॉक्स नीचे गिर जाता है। बॉक्स गिरने की आवाज मार्क सुन लेता है और वो गार्ड से पूछता है कि क्या तुमने भी वो आवाज सुनी। फिर गार्ड कहता है कि वो स्टील के फैलने की आवाज है, अक्सर ऐसी आवाजें यहाँ आती रहती हैं। वहीं केला बताती है कि उन्होंने ये आवाजें सुन ली हैं। अब मार्क तिजोरी के गेट को कान लगाकर सुनता है और वो गार्ड से कहता है कि जल्दी से तिजोरी का दरवाजा खोलो। गार्ड कहता है कि ये दरवाजा 15 मिनट बाद ही खुलेगा। फिर वो एंटी चैम्बर का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। केला बताती है कि वो एंटी चैम्बर खोल रहे हैं और इसी के साथ वो तिजोरी की दीवार को नीचे करके गैंग हबलोट की दीवार वापस से फिट कर देते हैं, चैम्बर के सीसीटीवी का लॉक ऑफ कर देते हैं। जब गार्ड एंटी चैम्बर में दाखिल होता है तो वहाँ उसे सब कुछ ठीक ठाक मिलता है और फिर बाहर आकर गार्ड मार्क को कहता है कि सब ठीक ही तो है, अगर आप कहो तो कुछ देर के बाद मैं तिजोरी को खोलकर चेक करा लेता हूँ। तभी मार्क के फोन पर किसी सोफी नाम की औरत का फोन आता है और मार्क कहता है कि नहीं, रहने दो, मुझे घर जाना है। इनके आपसी झगड़े की वजह से इनका मिशन नाकाम होने की दहलीज तक पहुँच गया था। तब डेमियन कहता है कि मैं जो करने आया हूँ टीम के लिए पूरा करूंगा लेकिन तुम्हारे साथ ये मेरी आखिरी चोरी होगी। फिर ये सभी लोग गहने लेकर बाहर आ जाते हैं। बर्लिन रियो को लेकर होटल चले जाते हैं और बाकी लोगों के पास 4 घंटे थे सब कुछ पहला जैसा करने के लिए। फिर रात को बर्लिन देखता है कि मार्क सो गया है और फिर वो रियो को लेकर मार्क के घर जाता है। पहले तो वो वहाँ पर क्लोरोफॉर्म तैयार करता है और फिर उससे मार्क को बेहोश कर देता है। रियो को यह सब गलत लग रहा था। दूसरी तरफ बर्लिन के साथी उस तिजोरी को फिर से जोड़ रहे थे जो उन्होंने काटी थी। तिजोरी को सील करके वो उसका कलर मैच करते हैं। बर्लिन और रियो मार्क के घर से वो सभी कैमरा निकाल रहे थे जो उन्होंने फिट किए थे। तभी रियो बर्लिन को कहता है क्लोरोफॉर्म हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। इस पर बर्लिन कहता है कि अब बच्चा बाप को सिखाएगा कि चोरियां कैसे करते हैं, पालतू कुत्ते दुम हिलाते ही अच्छे लगते हैं और आप यहां से जा सकते हैं, क्या करना है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ये बात रियो के दिल पर लग जाती है। उसके जाने के बाद बर्लिन मार्क के दूसरे घर की चाबी लेता है और उसका फोन भी उठाता है। फिर वो उसके कपड़े पहनकर उसके घर से बाहर निकलता है और जाते समय उसी की कार भी ले लेता है। वो कार के नेविगेशन में उसके दूसरे घर का एड्रेस निकालता है। फिर वो उसके दूसरे घर में जाकर ज्वेलरी पर लगा एक टैग बाथरूम में गिरा देता है। दूसरा टैग जलाकर उसके टुकड़े सावधानी से इधर उधर रख देता है। फिर वो टैग पर लगे धागे टॉयलेट सीट के अंदर भी डाल देता है और उसके बाहर भी बिखेर देता है और फिर वो गहने के कुछ डायमंड निकालकर उसके सोफे के नीचे रख देता है। दूसरी तरफ तिजोरी को बिल्कुल ठीक ठाक करके वहाँ पर वैक्यूम के जरिए जितनी भी मिट्टी आई थी उस सभी को साफ किया जा रहा था। फिर केला ही गार्ड के पास फोन करती है। वो कहती है कि मैं हेडक्वार्टर से बोल रही हूँ, बिल्डिंग के बाहर कुछ आपराधिक गतिविधियों को देखा गया है, आप पता लगाइए वहाँ क्या चल रहा है। फिर वो अपने साथी को ये बताता है और वो अपनी पूरी टीम को लेकर बिल्डिंग के बाहर चेक करने के लिए जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर सब कुछ ठीक ठाक था। तभी ये लोग उस बिल्डिंग के वायर्स में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और लाइट चली जाती है। वो देखते हैं कि मीटर में आग लगी है इसीलिए वो उसे बुझाते हैं। तभी केला तिजोरी के दरवाजे का कंट्रोल भी उड़ा देती है और फिर वो एंटी
चैम्बर में दोबारा जाते हैं और जो छेड़छाड़ की थी उसको पहले जैसा करने लगते हैं। फिर दोबारा दीवार फिट कर दी जाती है। अभी गार्ड्स मार्क के फोन पर फोन करते हैं जो कि बर्लिन के पास था और वो उस फोन को पिक नहीं करता और फिर वो उस टनल की दीवार को दोबारा चुन देते हैं और उसके बाद वो अपना सारा सामान वहीं पर छोड़कर उस दीवार को वापस जोड़ देते हैं ताकि कभी भी 600-700 साल के बाद किसी को इस बारे में पता चले तो इतिहास बन जाए। तभी बर्लिन वापस मार्क के घर पर जाता है और जो जो सामान उसने जहाँ जहाँ से उठाया था वापस वहीं रख देता है। उसके बाद वो वापस अपने होटल आ जाता है। अब उनका प्लान था कि जब तक ये सब खत्म करेंगे सुबह के 3-4 बज चुके होंगे, इसीलिए होटल जाने के बाद कोई भी होटल से बाहर नहीं निकलेगा। इस दौरान वो गहनों को अच्छे से पैक करेंगे और अपना अपना रूम अच्छे से साफ करेंगे। इस चोरी में जितने भी कंप्यूटर्स का यूज किया गया था सबको अच्छे से फॉर्मेट कर दिया जाएगा। रात को जब कैमरॉन फ्लोर की सफाई कर रही थी तब ब्रूस केला से मिलने आता है और वो कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए वो उसे वॉशरूम में ले जाता है। ब्रूस कहता है कि मैंने जहां से बाइक ली थी मैं वहां अपना पासपोर्ट लेने गया था मगर उन्होंने वहां पर अलार्म लगा रखे हैं। मुझे उनका सिस्टम हैक करने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। सबसे महंगी चोरी करने के बाद मैं एक पासपोर्ट की वजह से पकड़ा नहीं जाना चाहता। हम वहां जाएंगे तो तुम अलार्म को बंद करना, फिर हम कंप्यूटर हैक करके पासपोर्ट डिलीट कर देंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। वो दोनों ये बात किसी को बताना नहीं चाहते थे क्योंकि बर्लिन ने होटल से बाहर जाने को मना किया था और वो कैमरॉन को ये कहकर रूम से बाहर आ जाते हैं कि हम दूसरे रूम में जा रहे हैं। और फिर ब्रूस अपने रूम में जाकर रियो से कहता है कि मुझे केला से कुछ बात करनी है, क्या तुम दूसरे रूम में जा सकते हो, और रियो वहां से चला जाता है। उसी दौरान डेमियन अपने रूम में सभी ज्वेलरी की पैकिंग कर रहा था और साथ ही अपनी वाइफ को याद करके रो रहा था। तभी रियो उसके पास आता है ताकि उसकी हेल्प करा सके, लेकिन वो रियो को अंदर ही नहीं आने देता। उसने उस समय सैड सॉन्ग लगा रखे थे। फिर वो अपनी वाइफ को याद करके फूट फूट कर रोने लगता है। कैमरॉन भी उस समय खुद को अकेला महसूस कर रही थी, इसीलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जिमी को कॉल करती है लेकिन फोन स्विच ऑफ था। तभी वहाँ रियो आ जाता है। वो कहता है कि मेरे पास यहाँ आने के अलावा कोई चारा नहीं था। कैमरॉन उसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। वो उससे पूछती है कि तुम हमेशा एक हाथ में दस्ताना क्यों पहने रखते हो और इस टैटू का क्या मतलब है। फिर वो पूछती है कि क्या हम मूवी की तरह कोई ऐसा गेम खेल सकते हैं जिसमें आज रात हम कोई भी नियम कानून ना माने। ये कहता है कि हाँ, मैं भी बर्लिन का पालतू कुत्ता बनकर थक गया हूँ। फिर वो भी होटल से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रूस और केला उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां से ब्रूस ने बाइक रेंट पर ली थी। केला अलार्म को ऑफ करके वहां का लॉक खोलती है और फिर वो चुपके से ऑफिस के अंदर आ जाते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं। केला कंप्यूटर को ऑन कर लेती है लेकिन तभी ब्रूस की नजर पड़ती है कि नीचे 4 गार्ड्स बैठकर कार्ड्स खेल रहे हैं। फिर उनमें से एक गार्ड उठता है और कहता है कि मैं ऊपर जाकर सामान लेकर आता हूं। अब जब वो ऊपर आता है तो देखता है कि केला बैठी कंप्यूटर पर काम कर रही है। गार्ड पूछता है कि तुम कौन हो। केला बताती है कि मैं एमिली हूँ, कुछ देर पहले ही आई हूँ। फिर वो पूछता है कि अच्छा माइकल कहाँ है। तब केला बड़ी खूबसूरती से झूठ बोल देती है। वो कहती है कि दरअसल जिम में उसके पैर में मोच आ गई थी इसलिए उसकी जगह पर मुझे आना पड़ा। इस पर गार्ड कहता है कि ये तो होना ही था, हैवी वेट जो उठाती थी। अब गार्ड अपने काम में लग जाता है। तभी बाकी के गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं। पहले वाला गार्ड बाकी के गार्ड्स की एमिली के साथ इंट्रो करवाता है। केला जल्दी वहां से भागना चाहती थी पर उसके कंप्यूटर में कुछ एरर आ जाता है और गार्ड उसके चेहरे को देखकर पहचान जाता है कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है। फिर जब वो उसकी टेबल के पास आता है तो उसकी नजर पड़ती है ब्रूस पर और इनका प्लान पूरी तरह से फेल होने की कगार पर पहुंच जाता है क्योंकि दूसरी तरफ रियो और कैमरॉन भी पकड़े ही जाने वाले थे और जो दोनों लोग इनको बचा सकते थे वो भी यहां से बहुत दूर अपनी जिंदगियों की उलझनों में लगे हुए थे। तो क्या इनकी सबसे बड़ी चोरी इस तरह से फेल होगी और इनकी आगे की जिंदगी जेल की एक काली कोठरी में गुजरेगी, या ये भी इनके प्लान का एक हिस्सा है, या फिर होगा कोई चमत्कार और होगी किसी और की एंट्री? ये जानने के लिए आप लोगों को इसका अगला पार्ट देखना होगा जो कि होने वाला है बहुत ही मजेदार, क्योंकि कहानी का असली मजा और चोरी का पूरा प्लान तो उसी पार्ट में है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए।